हेलो एवरीवन, आज की कड़ी में हम जानेंगे कि क्या साइकी पावर्स स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल्स को ही मिलती है, क्या सिद्धियां आध्यात्मिकता से संबंधित है, क्या आध्यात्मिकता में प्रगति सिर्फ सिद्धियों के द्वारा ही नापी जा सकती है। साइकिक व्यक्ति वो होता है जो सामान्य इंद्रियों के पार एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का उपयोग करके वो अनुभूति लाता है और जानकारी लाता है जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। इसमें विशेष रूप से टेलीपैथी या क्लेयरवॉइंस शामिल होती है। साइकिक व्यक्ति ऐसे भी कार्य कर सकता है जो सामान्य नियमों के परे है। दूर पड़े हुए सामानों को उठा लेना, बिना टच किए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा लेना, किसी भी मेटल को मोड़ लेना, कुछ भी भौतिक चीजों को बना लेना, जैसे भभूत, ताबीज, गोल्ड चेन आदि आदि। ऐसे ही साइकिक का एक बड़ा इंडस्ट्री और नेटवर्क मौजूद है, जिसमें साइकिक अपने क्लाइंट्स को सलाह और परामर्श देते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं। साइकिक शब्द का अर्थ केवल उन लोगों से नहीं है जो ऐसे साइकिक सर्विसेज प्रदान करते हैं या बेचते हैं, ये भी लोग शामिल हैं। पर साइकिक वो व्यक्ति होता है जो एक विशेष प्रकार यानी कि पर्टिकुलर टाइप एंड नेचर के अनुभवों के लिए इच्छुक होता है, प्रोन होता है। हो सकता है कि वो अपने साइकी पावर्स को अपने सुपीरियरिटी के लिए यूज करे और उसे लगे कि किसी मिशन के लिए उसे चूज किया गया है, इसीलिए उसे साइकी पावर दी गई है, और इस तरह वो लोगों को काफी मैनिपुलेशन भी करता है। एक साइकिक वास्तव में विश्वास करता है कि उसके सामने मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस व विजन वास्तविक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं। जब ऐसे एक्सपीरियंस को ब्लाइंडली स्वीकार किया जाता है तो न केवल वो दूसरों को धोखा देता है, पर पहला शिकार वह स्वयं खुद भी होता है। साइकिक क्षेत्र और स्पिरिचुअल क्षेत्र एक समान नहीं है। साइकिक फैकल्टीज और पावर्स आध्यात्मिक क्षमताओं और शक्तियों के समान नहीं है। वास्तव में साइकिक होने में कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल अबाउट बीइंग साइकिक। यानी व्यक्ति स्पिरिचुअली इवॉल्व हो सकता है पर उसके पास कोई साइकिक पावर्स नहीं हो, या ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिल्कुल भी आध्यात्मिक न हो, यहां तक हो सकता है उसमें नैतिकता भी न हो पर साइकी पावर्स हों। अर्थात साइकी पावर्स और आध्यात्मिकता के स्तर में कोई भी संबंध नहीं है। बहुत से लोग भ्रमित हैं कि साइकिक और स्पिरिचुअल वस्तुतः पर्यायवाची हैं, और वे लोग सोचते हैं कि साइकी पावर वाला व्यक्ति स्पिरिचुअली डेवलप या इवॉल्व सोल है। मैडम ब्लेवेस्की इस बारे में कहती हैं कि ये तो स्पष्ट नहीं है कि इस अनोखी धारणा की उत्पत्ति कहां से हुई, लेकिन इतिहास में कभी भी किसी भी आध्यात्मिक या एजोटेरिक ट्रेडिशंस द्वारा ऐसा नहीं कहा गया कि साइकी पावर्स केवल स्पिरिचुअली इवॉल्व लोगों को ही मिलती है। एंशिएंट विजडम की टीचिंग्स भी हमेशा साइकिक और स्पिरिचुअल के बीच में एक स्पष्ट और विशिष्ट रेखा खींचती हैं। ब्लेवेस्की उन लोगों की आलोचना करती हैं और चेतावनी देती हैं जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करने के बजाय साइकिक रेल्म्स और साइकिक टाइप एक्सपीरियंस में उतरना पसंद करते हैं। वे बताती हैं कि एक साइकिक में औसत व्यक्ति की तुलना में मटेरियल डेंसिटी के एक अलग स्तर पर देखने की क्षमता होती है, लेकिन जिस स्तर पर साइकिक चीजों को देखता और अनुभव करता है वो अभी भी मटेरियल है, भले ही उस व्यक्ति को कितना भी ये अद्भुत और रोमांचकारी क्यों न लगे। साइकिक लोगों को आमतौर पर उनकी अत्यधिक काल्पनिक, सनसनीखेज, भावनात्मक या नाटकीय गुणवत्ता द्वारा पहचाना जा सकता है। उन लोगों का जोर और फोकस अपने एक्सपीरियंस को बड़ा चढ़ाकर आध्यात्मिक महत्व, महानता या उच्च प्रकृति का बताना होता है। वे अक्सर बताते हैं अजीब संवेदना, जैसे एंजल्स का स्पर्श महसूस करना या जीसस, बुद्ध या वर्जिन मैरी जैसे लोगों से मुलाकातें प्राप्त करना, या ऐसी आवाजें सुनना जिन्हें व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर्स या डिवाइन बीइंग से संबंधित मानता है। ऐसी बातें वो अक्सर बताते हैं। ये लोग अक्सर पिछले जन्मों के विजन्स या स्मृतियों या भविष्य की झलक या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बातें बताते हैं। अक्सर
वे विशेष रूप से अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस और अपनी क्षमताओं के बारे में अत्यधिक भ्रमित पाए जाते हैं। वे हमेशा अपने को सुपीरियर मानते हैं और अपने सभी अनुभवों को अचूक और सटीक मानते हैं, इस बात पर विचार किए बिना कि चीजें अन्यथा भी हो सकती हैं। वे अक्सर मीडियमशिप, स्पिरिचुअलिज्म, चैनलिंग, न्यू एज मूवमेंट के भीतर लाइट वर्कर या असेंशन मूवमेंट्स या एंजल्स रीडिंग या क्रिस्टल ऐसी गतिविधियों की ओर भी आकर्षित होते हैं। और जब ऐसे लोगों को स्पिरिचुअलिटी के कोई ऑथेंटिक और सीरियस टेक्निक या विधि के बारे में कोई बात की जाए, तब वो बहुत ही उदासीन, यहाँ तक कि उसको खारिज करने वाले भी होते हैं। किसी के लिए साइकिक एक्सपीरियंस प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान है। कुछ लोग पिछले जन्मों से इस तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें वर्तमान जीवन काल में विकसित करते हैं। अक्सर अनजाने में, जैसे कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश, अन्य लोगों यानी दूसरे वर्ल्ड्स के प्राणियों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश या थर्ड आई को एक्टिवेट करने के प्रयास जैसे हानिकारक स्पिरिचुअल प्रथाओं में संलग्न होने के कारण भी साइकिक सेंस जागृत हो जाते हैं और डिफॉल्ट उन्हें सिद्धियां मिल जाती हैं। साइकिक रेल्म फिजिकल रेल्म से केवल एक स्तर ऊपर है। साइकिक प्लेन को एस्ट्रल प्लेन या एस्ट्रल लाइट के रूप में भी कहा जाता है। इस विशाल क्षेत्र में प्रवेश करते ही व्यक्ति तुरंत अपने आप को धोखे, भ्रम और माया के लिए खोल देता है। उसे यहाँ पर जो इमेजेस, विजन्स और प्राणियों से भरा हुआ एस्ट्रल प्लेन दिखता है, वो उसे रियल और जेन्युइन प्रतीत होता है, जबकि ऐसे प्लेन को लैंड ऑफ इल्यूजन्स कहा जाता है। मैडम लेवेस ने साइकिक रेल्म को महान धोखेबाज यानी कि द ग्रेट डिसीवर के रूप में वर्णित किया है और इस बात पर जोर दिया है कि साइकिक विजन्स कभी भी एस्ट्रल प्लेन से आगे नहीं बढ़ सकते। ये सच है कि एस्ट्रल प्लेन में 7 सब प्लेन्स हैं। चाहे कोई व्यक्ति हाई एस्ट्रल प्लेन तक के भी पहुंच जाए, फिर भी वो साइकिक एटमॉस्फेयर से ही अनुभव लेकर आएगा और पृथ्वी का आकर्षण और मानवता के मानसिक कचरे से भरे हुए वातावरण से ही जानकारी को लेकर आएगा। ये भी पॉसिबल है कि किसी साइकिक व्यक्ति को कभी कभी उच्च और अधिक विश्वसनीय यानी कि रिलायबल डायमेंशन से भी चीजों की झलक मिल सकती है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि सोल अगर मैच्योर्ड होगी तो ही वो ऐसे मैसेजेस को समझ पाएगी। अगर मैच्योरिटी ऑफ सोल नहीं है तो वो ऐसे मैसेजेस से कंफ्यूज हो जाएगी और गलत व्याख्या करेगी। ट्रू जेन्युइन क्लेयरवॉइंस, क्लेयर ऑडियंस इत्यादि साइकिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हैं। दोनों के बीच का अंतर दिन के उजाले और अंधेरे के बीच का अंतर है। ये कहना सही है कि वे हाईली एडवांस सोल्स जिनके पास सच्ची आध्यात्मिक क्लेयरवॉइंस है, वे हमेशा इसके बारे में चुप रहते हैं और किसी भी तरह से खुद पर ध्यान आकर्षित किए बिना मानवता की भलाई के लिए चुपचाप बुद्धिमानी और समझदारी से काम करते हैं। ये एस्ट्रल प्लेन के पार मेंटल और बुद्धिक प्लेन से कार्य करते हैं। मास्टर के एच बताते हैं कि जितने भी ये सो कॉल्ड आध्यात्मिक अनुभव बताया जाते हैं, वे 99% तक झूठे होते हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक अनुभव नहीं बल्कि साइकिक भ्रम है। जो कोई भी व्यक्ति सत्य और भ्रम में अंतर पहचान नहीं कर सकता, उसे अपने हित और सुरक्षा के लिए ऐसी सभी चीजों से दूर रहना चाहिए और इसके बजाय अधिक महत्वपूर्ण और फायदेमंद चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि अपने दैनिक विचारों और जीवन को शुद्ध करना, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन, सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन के प्रति प्रेम और करुणा का अभ्यास करना, अपने मन और बुद्धि को स्पिरिचुअल स्टडीज में लगाकर रखना और चिंतन मनन करना। तो हमने देखा कि साइकिक व्यक्तिगत और हायर वर्ल्ड्स के बीच एक बाधा के रूप में खड़ा है। यह किसी के आध्यात्मिक जीवन के लिए सहायता नहीं बल्कि एक हानिकारक बाधा है, क्योंकि व्यक्ति माया भ्रम के आवरण में हर चीज को देखता है और अनुभव की गलत व्याख्या करता है। कभी कभी वो लो वाइब्रेशन एंटिटीज के माध्यम के रूप में भी कार्य करता है। तो
स्टॉकहोम ने इनके कार्य करने की विधि की बहुत ही सुंदर व्याख्या करके बताया है कि किस तरीके से साइकिक यानी कि मीडियम के ब्रेन को दूसरी एंटिटीज अपने कब्जे में ले लेती हैं और वो सारी बातें आपको बताएंगी जो आपके मन में चल रही हैं। इसीलिए साइकिक लोगों की कई बातें आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं कि वो आपके मन और आपके अतीत के बारे में कैसे इतने अच्छे से जानता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे साइकिक लोग लो एंटिटीज के माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं, पर हाँ संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन जहां तक उच्च आध्यात्मिक क्लेयरवॉयंस जैसी चीजों का सवाल है, हमें यथार्थवादी, समझदार और विनम्र होना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हम में से बहुत कम लोगों के पास इस वर्तमान जीवन काल में ऐसे स्तर तक पहुंचने की क्षमता है। और यदि नहीं भी है तो क्या हुआ, वैसे भी इसकी कोई बहुत वास्तविक आवश्यकता नहीं है। हमें प्रेम, ज्ञान और करुणा के गुणों को विकसित करने, उसको प्रैक्टिस करने और उसमें परफेक्ट होने की तत्काल आवश्यकता है। हमें द वॉइस ऑफ साइलेंस के उन यादगार शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मानव जाति के लाभ के लिए जीना पहला कदम है और दूसरा कदम है 6 गौरवशाली सद्गुणों का अभ्यास करना, और वो सद्गुण है गिविंग यानी दान, शील मॉरल डिसिप्लिन, धैर्य पेशेंस, प्रयास एफर्ट्स, ध्यान की एकाग्रता मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन और प्रज्ञा यानी बुद्धि विजडम। यह सच है कि गुणों का विकास या मानवता के प्रति प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा की धारणा साइकिक एक्सपीरियंस की तरह एक्साइटिंग नहीं लग सकती, लेकिन ये वास्तव में आध्यात्मिक है और मनुष्य की आत्मा और उच्च क्षमता को शामिल करते हैं जो उसके साइकिक एक्सपीरियंस से कहीं ऊपर और बियॉन्ड है। ये परमानेंट और लास्टिंग वैल्यू के हैं और बाद के जीवन काल में वास्तविक आध्यात्मिक क्षमताओं और शक्तियों के विकास के लिए आधार प्रदान करते हैं, जबकि साइकिक रेल्म आखिरी में व्यर्थ ही चला जाता है। साइकिक रेल्म की वर्थ और वैल्यू तभी है जब व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि ये भ्रामक और धोखा प्रकृति का है और वो सीख जाए और उस पर विश्वास करना बंद कर दे। ये कहना असंभव है कि कितने सैकड़ों या हजारों लोग इस दुनिया में सकारात्मक और प्रभावशाली बदलाव ला सकते थे अगर वो साइकिज्म के व्यापक जाल में फंसने के कारण बर्बाद नहीं हो गए होते और आंतरिक रूप से नहीं टूट गए होते। ये मानवता के दुश्मनों द्वारा ऐसी आत्माओं की आध्यात्मिक प्रगति को बाधा करने के लिए किया गई एक चालबाजी है, वरना दुनिया में आध्यात्मिकता के लिए बहुत से अच्छे प्रभावशाली एम्बेसडर्स होते। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन शुरू करता है तो कलर्स दिखना, लाइट फ्लैशेस, किसी मास्टर का दर्शन, परी या ऐसे ही लुभावने दृश्य दिखना, घंटियों या किसी मधुर आवाज का सुनाई देना, ये सभी कोई सबूत नहीं है कि आप आध्यात्मिकता में विकास कर रहे हैं। ये चीजें और इससे भी अधिक उत्सुक चीजें तब घटित होंगी जब आप रास्ते में थोड़ी दूरी पार कर चुके होंगे, लेकिन वे केवल नई भूमि की चौकी मात्र हैं जो स्वयं पूरी तरह से मटेरियल हैं और फिजिकल कॉन्शियसनेस के स्तर से केवल एक ही स्तर दूर हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस में ज्यादा इंटरेस्ट लेने से आप सभी लोगों को बचना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आप एक्सपीरियंस करिए और उसमें बहुत रुचि मत बढ़ाइए। अगर आप ऐसे मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस में इंटरेस्ट लेंगे तो उनमें वृद्धि होते चली जाएगी और आपका पूरा जीवन ऐसी घटनाओं की विशाल श्रृंखलाओं से भर जाएगा। और जब शरीर का त्याग करके आप दूसरी दुनिया में जाएंगे तो इस तरह के सभी अनुभवों का अंत तो होगा, पर आपके सच्चे ज्ञान के भंडार में थोड़ी सी भी वृद्धि नहीं होगी, अर्थात आप वैसे ही खाली हाथ जाएंगे। तो हमें वैसा ही करना है जैसा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था। हमने जो भी महान बातें
टीचिंग सीखी है, उनका प्रचार करना, प्रसार करना, व्याख्या करना, वर्णन करना और विस्तार से स्पष्ट करना हमारा काम है कि दूसरे लोगों को भी मेडिटेशन और इस आत्मज्ञान को पहुंचाना, ताकि वे भी अवेकन हो सके और अपनी आत्मिक विकास की यात्रा में आगे बढ़ सके। और हमारा काम लोगों को साइकिक एक्सपीरियंस या साइकिक पावर्स के बारे में बताकर उनको अट्रैक्ट नहीं करना है, और न ही जिनके पास ऐसे पावर्स हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करना है। फ्रेंड्स, याद रखें कि ऐसे साइकिक पावर्स और ऐसे मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस न आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, न आपकी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, न ही आपकी हीलिंग में मदद करते हैं। ये केवल आध्यात्मिक खिलौने हैं जिन्हें खेलने में जीवन व्यर्थ कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने और पतंजलि ने भी कहा है कि आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत सी सिद्धियां मिल सकती हैं, पर सिद्धियों को छोड़कर ही आपको बुद्धि मिल सकती है, और बुद्धि का विकास अर्थात अपनी आत्मा से जुड़ना है, क्योंकि जीवन में सिद्धियों की नहीं बुद्धि की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।